पाकिस्तानी मोम में नॉर्वे को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशराबाद आमीन सोम आमीन मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अलहमद एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ जैसे कि आप लोगों का नजर आ रहा है तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ डिनर के साथ क्योंकि हम लोगों ने निकलना था बाहर और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट डिश और वो है जी भिंडियों की सब्जी और साथ में बीच में डलेगा गोश्त जो कि बहुत ही मज़े का लगता है हमारे घर में मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये सालन तो मैंने सबसे पहले भिंडियों को धो लिया था और उनको एक टॉवल पे रख दिया था खुश होने के लिए और यहाँ जैसे कि अपना ज़्यादा था तो रेस्ट कर रही थी सारी हमारी भिंडियाँ जो है लेडी फिंगर्स यानी के उसके बाद मैंने इनको टिशू से साफ़ कर लिया था और साफ़ सुथरी सी थी और बहुत ही मज़ेदार सी भिंडियाँ थी और उनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था और साथ फिर मैंने ले लिया तीन प्याज लिया मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिया उनको मैंने काट लिया छील कर और यहाँ पे मैं जैसे कि आपको पता है यहाँ पे फ्रोजन गोश्त होता है तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी कुछ आठ दस बोटियाँ ले ली और साथ में मैंने ऐड कर दिया प्याज और पानी और मसाले में लिया मैंने लाल मिर्चों का पाउडर नमक और हल्दी और इसको रख दिया पकने के लिए और साथ ही मैं ब्रंच की तैयारी कर रही थी और आज हम लोग बना रहे थे बेक कर रहे थे ब्रेड और साथ मैंने बनाया था जो है चिकन चिकन पड़ा हुआ था मेरा तो चिकन फिले थे दो उनको मैंने काट के बाइट साइज पीसेस में काट लिया है और ये चिकन बहुत ही अच्छा है ये हम लोग लेके आए थे खूब से जो यहाँ पे नॉर्वे में रहते हैं, उनको पता है खूब पे हलाल चिकन मिल जाती है मेरीनेट भी हुई हुई और ये पॉन्डेस भी और बोन के साथ भी मिल जाती है और ये वाकई बहुत ही मज़ेदार चिकन है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता और बहुत ज़बरदस्त होती है जब मैं साथ में बना रही थी ब्रंच तो सारिम साहब जो है वो थोड़े बहुत सफाइयाँ करवा रहे थे साथ वैक्यूम हो रहा था और बाकी टेबल वग़ैरह उन्होंने बर्तन वगैरह हटाए और मुझे दिए जो डिश और में लगाने थे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब सारिम साहब मेरी हेल्प करवाते हैं और उनको बहुत शौक है मामा की हेल्प करवाने का और उम्मीद है कि बाकी भी जिनके बच्चे छोटे मेरे सारिम जितने वो भी देख रहे होंगे उनको भी बताया करें कि सारिम जो है है मामा की हेल्प करवाते है तो आप ये हेल्प करवाएं और यहाँ पे जैसे कि आपको नजर आया तो मैं करने लगी हूँ चिकन मैरिनेशन चिकन की और यहाँ पे चिकन जो है हम पैन में बना रहे हैं ये हम लोग इस ब्रेड में लगा के खाएंगे मैंने दो टेबल स्पून ऑयल लिया और बीच में डाल दिया चिकन और मसालों में मैं ले रही हूँ मैंने लिया था चिकन बारी क्यों लिया था उसके बाद लिया था तंदूरी मसाला लाल मिर्च का पाउडर नमक अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था और थोड़ा सा जो है विनेगर डाला था और इस सब को अच्छे से जो है कुक कर लिया था और बहुत ही मजे की बनी है चिकन और ये देखिए जी हमारी ब्रेड होके गर्मा गर्म तैयार हो चुकी है और ये हम करेंगे सर्व बच्चे जो है आके टेबल पे बैठ गए थे और यहाँ जो है बड़ी भाजी जो है वो सब को लगा के दे रही हैं उनके ब्रेड और सारीम ने मायनीज लगवाई और साथ में चिकन लगवाया और साथ में दिया जी एप्पल जूस और बहुत मजा आया सारे मिलकर जो है जब हमें मौका मिलता है तो हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं तो सब ने खूब मज़े से नाश्ता किया और उसके बाद साथ मैं कर रही थी अपनी कुकिंग और मुझे अच्छा लगता है भिंडियों को मैं थोड़ा सा जो है फ्राई कर लेती हूँ वन टेबल स्पून ऑयल में क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा अगर आपका पानी रह जाता है तो वो आप मतलब इस तरीके से उसको कर लेते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मेरी मम्मा जो वैसे नहीं करती वैसे ही बिनिया पर डालती है और बाकी तो आपको पता ही है कि जो है कोर्स हमारा हो गया था ऑलमोस्ट रेडी तो फिर मैंने बीच में ऑयल ऐड किया और अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड की और अच्छे से भून लिया इसको और फिर ऐड कर दिए जी प्याज और फिर जो है प्याजों को मैंने साथ थोड़ा सा जो है सोते कर लिया है और फिर अभी मैं ऐड कर दूंगी भिंडियाँ और हल्की आंच पे फिर मैंने इसको पकने दिया है जब तक कि भिंडियाँ सॉफ्ट हो गई और प्याज भी और मज़ीद सॉफ्ट हो गए और बहुत मज़े का बना ये सालन जो कि हमारा बहुत फेवरेट है और साथ में मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटियाँ क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना था तो रोटी मैंने पहले ही बना के रख दिया हस्बैंड के लिए और मैं सुबह सुबह सारे काम जो है अपने ख़त्म कर लेती हूँ और मैंने गार्निश किया चीज़ के ऊपर फ्रेश धनिया आपको पता है कि धनिया के, के बगैर तो हांडी की लुक जो है इतनी अच्छी नहीं आती तो मैंने बीच में हरी मिर्ची भी दो ऐड की थी और धनी के साथ गार्निश किया और देखें जी बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा तैयार है मेरा बहुत फेवरेट है मुझे जब आप दे दें मतलब माँ के हाथ का तो वाह बहुत मज़े का लगता है मुझे और उसके बाद मैं बनाने लगी हस्बैंड के लिए रोटियाँ मानकर रोटी बना के रखती हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं था कि मैं जल्दी घर आएंगे या हमें टाइम लग जाएगा बाजार में तो इसलिए फिर मैं रोटी पका के हस्बैंड की गई थी लेकिन आपको बताती चलूँ कि वो बेचारे लेट आए थे तो तब तक मैं घर आ चुकी हुई थी तो मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जब आप कोई चीज़ बना के रखते हो तो खाने वाला जो है वो लेट आता है और जिस दिन ना बनी हो तो खाने वाला जल्दी आ जाता है तो खैर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था तो मैंने पहले रोटी वगैरह बना के रख दी तो मुझे लगता है कि जब आपने रोटी वगैरह बना ली हो सारा कुछ आपका काम हो जाए खाना वगैरह बन जाए तो फिर आपका काम जो है थोड़ा सा कम हो जाता है करने वाला जो खैर साफ़ सफाई भी हम लोगों ने कर दी थी ब्रंच भी हम लोगों ने कर लिया था और हाँडी भी पक्की थी तो ये सारा कुछ मैंने तकरीबन एक और एक आधे घंटे में किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे बस ये मैं गरम-गरम सी जो है रोटी बना के रखने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों ने साफ़ सफाई कर दी थी सारे साहब ने भी हेल्प करवाई बाकी बहन भाइयों ने भी हेल्प करवाई तो सिटिंग वगैरह क्लीन हो गया किचन वगैरह मैंने क्लीन किया था किचन की मेरी ड्यूटी थी किचन और मेरे बेडरूम की मेरी ड्यूटी थी बाकी सिटिंग की और बेडरूम जो दूसरा बच्चों का है वो सारे और उनके बड़े भाई ने करवाया था और खैर मैंने नीचे भी जो है बल्कि मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि इससे पहले मैंने दो जो है मशीन भी लगाई थी कपड़े की कपड़ों की कपड़े भी धुलाई हो चुके थे यानी कि मैंने सारे काम जो है अपने सुबह बारह से पहले कर लिए थे अलहमदिल्ला और यहाँ देखी जी रोटी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो रही है तो रोटी भी हो गई तैयार सालन भी हो गया हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार और ये देखिए जी कितनी फूली हुई सी रोटी बन रही है यानी कि भूख लग रही होगी हस्बैंड को फिर आगे थे जी हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और हम लोग आए मामा के साथ मामा भी आई थी हमारे साथ बहुत दिनों बाद मामा को मैं लेके आई तो मामा और हम लोग आए तो यहाँ से हमने लिए जी लिए कुछ टिन लिया हम लोगों ने क्योंकि रमजान आ रहा है तो इस वजह से मैंने का थोड़ा सा स्टॉक कर लिया जाए उसके अलावा और भी काफ़ी सारी डेकोरेशन वगैरह थी इधर काफ़ी मज़ा आता है मुझे खूब एक काफ़ी बड़ी दुकान है इधर तो इधर जब भी मैं आती हूँ तो कम से कम हज़ार दो हज़ार की शॉपिंग होती है बेशक इस दफ़ा भी मैं जो है सिर्फ दूध लेने के लिए आई थी लेकिन यकीन करे कि मैं यहाँ पे दो हज़ार की शॉपिंग करके गई हूँ तो वही मैं घर आके सोच में क्या मैंने क्या ले लिया ऐसा खैर इधर हर चीज़ मिल जाती है मुझे टॉयलेट पेपर भी चाहिए थे हाथ वाले पेपर भी जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो चाहिए थे मुझे उसके अलावा यहाँ पे चिकन लगी हुई थी बोनलेस जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी यहीं से हम लोगों ने लिया तो वो चिकन ली थी मैंने और कुछ चिप्स वगैरह लिए थे उसके अलावा जो है मुझे और कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें चाहिए थी वो ली थी ये आपको बता रही हूँ जिस चिकन के बारे में मैं आपको पहले बता रही थी यह लाल है यहाँ पर और ये सस्ती लगी हुई थी तो मैंने रमज़ान के लिए तीन पैकेट अपने लिए लिए दो पैकेट मामा के लिए लिए और आपको नज़र आ रही है ट्रॉली मैं सिर्फ लेने आई थी दो दूध के डब्बे लेकिन कभी कुछ हो गया और ये जो है बटर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे इनके पास प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं हलाल भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से मैंने कुछ जो है पीसों पे लगाने के लिए हलाल प्रोडक्ट्स लिए देखिए जी हलाल के पाउडर यकीन करें कि इतना अच्छा लगता है कि जब हलाल के प्रोडक्ट्स ये सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ आप पे आपको नजर आ रहे हैं ये सारे हलाल हैं और ये बहुत ही मज़े के हैं फस्तरामी चिकन की ये बनी हुई है स्लाइसेस हैं बारीक से ये ब्रेड के पीस पे लगाने के लिए बहुत मज़े के होते हैं तो ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है सारे सब इतना नहीं खाते लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी थोड़ा बहुत खा लें लेकिन उनको ये इतना पसंद नहीं और यहाँ पे हलाल कहबाब वगैरह था जो कि हम लोग देख रहे थे कि घर में भी बनाया जा सकता है पीता ब्रेड लेके उसके साथ यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं और उसके बाद हम आए थे जी एक और दुकान पर यहाँ से हम लोगों ने प्याज लेने थे और कुछ थोड़ा सा जो है एशियन सामान लेना था तो यहाँ से भी मैंने अंडे वगैरह लिए अंडा पुदीना धनिया मेथी मिल गई मुझे यहाँ से उसके अलावा जो है मैंने यहाँ से दालें वगैरह ली थी मामा को चाहिए थी दाल वगैरह चाहिए थी और मुझे चाहिए था यहाँ से मैंने आलू लिए गोभी ली और ये आपको दिखा रही हूँ जो प्रोडक्ट्स जो हमने खरीदारी की ये थी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग आज की ये जी कुछ सामान लेके आए हैं हम लोग ये लेके आए हैं चॉकलेट पुडिंग उसके बाद आए जी ये सॉस है जो ऊपर डाल सकते हैं चॉकलेट पुडिंग के आप डाल सकते हैं फ्रूट के ऊपर और साथ में ये मैं लेके आई हूँ ये इनो टाइप का है बहुत ज़बरदस्त है जब थोड़ा ज़्यादा खाली हो या दिल वगैरह ख़राब हो रहा हो तो ये बहुत ज़बरदस्त है ये मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद ये रेड सॉस है आपको मैं इसकी रेसिपी एक दूंगी जो ए, सूजी के बनता है एक पुडिंग सी बनती है उसके ऊपर ये रेड सॉस डाला जाता है बहुत मज़े का है ये तो उसके अलावा ये मायूनीस है जो हम यूज़ करते हैं ब्रेड वगैरह के ऊपर लगाते हैं जो कोई चीज़ लगाई हो और ये मैं लेके आई हूँ जी आयरन और विटामिन सी के जो है बनी हुई सी टेबलेट्स या जो पानी में डालकर पीते हैं बहुत ही मज़े की हैं ये उसके बाद मैं लेके आई हूँ जी पुदीना आया है मेथी आई है सैलड आया है और ये बारबेक्यू करने की तैयारी हो रही है जी ये लेके आए हैं हम ग्रिल और ये एक दफ़ा की यूज़ की होती है दस मिनट पंद्रह मिनट लगते हैं आप इसको आग लगाते हैं जलाते हैं रख देते हैं और उसके बाद आप इसको तकरीबन घंटे तक यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त होती है जब कहीं बाहर पिकनिक वगैरह पे जाना हो तो ये लिया हम लोगों ने उसके अलावा जी चिप्स हैं ये मेरे फेवरेट हैं उसके बाद देखे आए हम ये दूध है फ्लेवर वाले ये है जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नया एक कोकोनट फ्लेवर आया है वो लेके आए हैं उसके अलावा ये और ये योगर्ट आई है उसके बाद पीटा ब्रेड आई है और ये मैं लेके आई हूँ फ्रेश पास्ता बनी हुई बनाएंगे और ये आया जी तुर्की सैलेडो तोशु यानी कि जो सिटी के अंदर होता है बहुत ही मजे का मेलन आया है दूध आया कुछ और नपकिन वगैरह चाहिए थे ये काफी बच्चों को नूडल्स वगैरह पसंद है वो आए दही आई है प्याज आए हैं उसके बाद ये मैं शिमला मिर्च लेके आई हूँ गोभी लेके आई आयूँ आलू लेके आई आयूँ और आपको बताती चलूँ ये हलाल जो है पीसों पे लगाने के लिए फोले है यानी कि ससज वगैरह जो है कटे हुए ये और हलाल चिकन आई है और क्यूब लेके आई हूँ और आपको बताती चलूँ कि लेके आए हैं हम लोग जी ये केव है बना हुआ और ये आप पीता ब्रेड के अंदर सलद के साथ खा सकते हैं ये फ्रोजन है का का। है, क्रॉन्स तो ये जी थी छोटी सी ग्रोसरी आज की हमारी और आ, और भी नीचे लेके आए टीन वगैरह लेके आए थे कुछ जो है ड्रिंक्स वगैरह लेके आए हैं उसके अलावा कुछ घर का और छोटा मोटा सामान है जो फ्रीजर का था वो रख दिया है हमने तो ये थी जी आज की ग्रोसरी और काफी थक गया और अब मैं खाने लगी हूँ समोसे लेके आए हम लोग और उसके बाद भी आई हैं गटरेरा आया तो मैं आप करूँगी थोड़ा सा ब्रेक और ये थी जी आज की हमारी वीडियो में है कि आपको पसंद आई होगी अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी से में याद टेक केयर अल्लाह हाफिज